यहाँ पे हम मीटर सेट करते हैं मल्टीमीटर को और देखते हैं बैटरी चार्ज कितनी है। तो बैटरी तो इसकी फुल चार्ज है, देखो फुल चार्ज है। और अब जो है हम चाबी को ऑन करके देखते हैं मीटर में लाइट आई या नहीं। तो देखो चाबी ऑन है, मीटर में कोई भी लाइट शो नहीं कर रही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास TVS की स्टार सिटी प्लस बाइक है और ये बाइक का मीटर नहीं बता रहा है, ना सेल्फ चल रहा है, ना हॉर्न, ना इंडिकेटर, कुछ भी नहीं चल रहा है। चाबी को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो मीटर में लाइट जल जानी चाहिए, मीटर में कोई भी लाइट नहीं जल रही है। बाइक किक से स्टार्ट हो रही है, सेल्फ वगैरह काम नहीं कर रहा है, हॉर्न भी देखो नहीं चल रहा है का सेल्फ है, सेल्फ से भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और जो इसकी बैटरी है, बैटरी को चेक करते हैं पहले, क्योंकि अभी जो लाइट वगैरह कोई भी नहीं शो कर रहा है। देखो चाबी को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। फिक्स से स्टार्ट हो रही है, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसका जो साइड पैनल है, साइड पैनल मैं खोल लेता हूँ। ये देखो एक स्क्रू इस जगह पर है, एक स्क्रू सीट के नीचे, तो सीट को खोलना पड़ेगा, पैनल आपका निकल जाएगा। तीन स्क्रू होते हैं कि यहाँ पे होता है, तीन स्क्रू खोल के इसका साइड पैनल हम बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो इसमें कमी है क्या देख सही करना पड़ेगा वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तभी हमने इसका साइड पैनल निकाल दिया। बैटरी देखो यहाँ पे रखी हुई है, तो बैटरी तो नई लग रही है। और बैटरी देखते हैं चार्ज है या नहीं, सबसे पहले तो बैटरी चार्ज है या नहीं ये चीज़ चेक करते हैं मल्टी मीटर से। तो ये मैंने मल्टी मीटर ले लिया और अब जो है इसे चेक करते हैं। ब्लैक वाली को ब्लैक में लगाएंगे, प्लस और माइनस, जो प्लस बैटरी का प्लस में, माइनस माइनस में लगाएंगे मल्टीमीटर की वायर। मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे 20 पे सेट करना है 20 पे, और यहाँ से हमको बैटरी चेक कर लेना। देखो बैटरी फुल बता रही है 12-13, इसकी बैटरी कम्प्लीट चार्ज है, फुल एकदम चार्ज है। तो बैटरी तो हमारे काम हो गया कम्प्लीट, बैटरी से कोई इशू नहीं है, बैटरी बिल्कुल सही है। अब इसकी वायरिंग में देखते हैं क्या फॉल्ट है, क्योंकि बैटरी सही है, वायरिंग में ही कोई फॉल्ट है। तो ये जो फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, ये देखते हैं ये कौन सा फ्यूज बॉक्स है यार, इसमें तो नहीं होता है। चलो मैं इसे बाहर निकाल के देखता हूँ इसमें क्या लगा हुआ है। तो इसमें फ्यूज बॉक्स नहीं है, शायद ये कंडेंसर वगैरह कोई है लगा हुआ है। तो इसको हमको वहीं पर वापस से लगा देना, क्योंकि ये हमारा फ्यूज नहीं है। इसका फ्यूज कहाँ पर वो चीज़ देख लेते हैं, इसे वापस से लगा देते हैं। यहाँ पर फ्यूज वगैरह नहीं है, देखो इसका फ्यूज देखते हैं। चलो मैं ये रहा, ये देखो डायरेक्ट जॉइंट है, ये इसका फ्यूज। अब इसमें फ्यूज है ही नहीं, डायरेक्ट ये जॉइंट है। तो इसे तो मैं लगा देता हूँ पहले, और फिर इसका फ्यूज जो है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। ये देखो ये फ्यूज की दो वायर है, जो डायरेक्ट इसमें फ्यूज वगैरह है ही नहीं, तो ये इस तरीके से जॉइंट थी, है ना, जॉइंट थी। तो अभी जो है देख लेते हैं चाबी ऑन करके, कोई भी लाइट शो नहीं कर रही अभी तक। अभी मैं क्या करूँगा, इस वाली वायर को अलग कर लेता हूँ, यहाँ से अलग कर लेता हूँ। चलो मैं इसे हिला के ही देख लेते हैं यार, आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फोल्ड शायद मुझे यहाँ से ही लग रहा है। चलो ये दोनों को अलग कर लेते हैं, और ये जो वायर है इसे छोड़ देते हैं ये फ्यूज की, और ये वाली वायर को, ये जो है ये वायर को हम डायरेक्ट प्लस वाली लाइन में दे देते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस लाइन में दे देते हैं। अब देखते हैं मीटर में लाइट शो हुई या नहीं। तो मीटर में लाइट शो हो गई, हो गई, मीटर चालू हो गया। ये देखो चालू हो गया, जो मीटर चालू हुआ है ये हमने डायरेक्ट वायर को बैटरी में कनेक्ट किया है। ये देखो यहाँ से इस वायर को मैं हटा दूंगा, लाइट चली जाएगी। ये अभी मैंने इसको, और ये वाली वायर में, ये तो हमारी मेन वायर है, बैटरी से निकल के आती है, एक वायर हमारी वायरिंग की होती है। तो वायरिंग वाली वायर मैंने डायरेक्ट किया तो लाइट सारी आ गई। तो अभी जो कमी है शायद इसी में से है, इन दो पट्टियों में से, इसके पट्टी में मुझे लगता है जंग बहुत ज़्यादा है। एक बार वापस से हम लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखो मीटर शो कर रहा है, ये देखो मीटर चलने लगा। अभी सारा कुछ इसका चालू हो जाएगा, हॉर्न भी बजेगा, सेल्फ भी चलने लगेगा। तो अभी हमको क्या करना है, इसमें पॉलिश पेपर मारना है, जो जितना जंग दिख रहा है इसमें काला काला दोनों में, ये देखो जंग भी है और काला काला इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जहाँ पर फ्यूज लगता है। तो इनको हमको क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद देखते हैं। चलो पहले इसको हम रेग माल ले लेते हैं और इसी से हम दोनों क्लिपों को क्लीन कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से घसना है, ये क्लीन हो जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट से दोनों क्लिप को क्लीन कर लेता हूँ और फिर दोनों को हम जॉइंट करके देख लेते हैं
और अगर यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है तो हम इसमें नया फ्यूज लगा देंगे। पहले दोनों को हम क्लीन कर लेते हैं। फ्यूज वाली जो पट्टी थी ये मैंने क्लीन कर लिया, इससे ज़्यादा क्लीन नहीं हो रही है। ये देखो क्लीन हो गई। अब इसमें एक नया फ्यूज लगा के देख लेते हैं। चलो नया फ्यूज लेकर आते हैं। ये है नया फ्यूज जो 10 रुपये का मिलता है। इससे लगाने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। वायरिंग में कोई भी शॉर्ट सर्किट होती है बाइक के वायरिंग में तो ये फ्यूज उड़ जाता है। ये फ्यूज उड़ने की वजह से सारी वायरिंग बच जाती है। अगर हम डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरी वायर जल जाती है। तो फ्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है, फ्यूज को लगा ही देना। फ्यूज मैंने नया इसमें लगा दिया। अब मैं चाबी को ऑन करके देख लेता हूँ। तो ये देखो हो गई सही। कमी क्या थी? वो पट्टी में जंग लगने की वजह से जो करंट था वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो अभी ये प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। हमने इसमें नया फ्यूज भी लगा दिया है। यहाँ से मैं तो सोच भी नहीं सकता यार, यहाँ से प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। बाकी बहुत बहुत बार क्या होता है कि यहीं से प्रॉब्लम होती है और सारा कुछ हम खोल देते हैं। तो पहले क्या करना कि ये सारा कुछ चेक कर लेना, जैसे मैंने चेक करके आप लोगों को बताया। यहाँ से हमको ये चीज़ मालूम पड़ गया। देखो मैंने डायरेक्ट वायर जो थी वायरिंग वाली वो मैंने प्लस वाली लाइन में देख के ये चीज़ देख लिया। अगर वो वायर में कोई शॉर्ट सर्किट होती तो आगे मालूम पड़ जाता हमको कोई भी वायर कटी हुई है। लेकिन यहाँ से हमने डायरेक्ट प्लस वाली लाइन में ज्वाइन करके देख लिया रेड वाली वायर को। हमारी मीटर में सारी लाइट आ गई, हमको कमी मालूम पड़ गई कि ये लाइन से तो हमारी डायरेक्ट करंट जा रहा है लेकिन नीचे वाली से क्यों नहीं जा रहा। तो पट्टी में प्रॉब्लम थी, जंग लगा हुआ, तो जंग की वजह से करंट पास नहीं हो पा रहा था। बाकी हमने नया फ्यूज लगा दिया। फ्यूज बॉक्स मेरे पास था नहीं, फ्यूज बॉक्स हम बाद में लगा देंगे इसमें। बाकी चलो मीटर भी चालू हो गया। अब हॉर्न इसका चेक कर लेते हैं। तो हॉर्न तो चल रहा है। इंडिकेटर देख लेते हैं, इंडिकेटर भी चल रहा है। ये देखो मीटर में भी चल रहा है और साइड इंडिकेटर भी चल रहे हैं दोनों। और अब इसका जो सेल्फ है सेल्फ मार के देख लेते हैं। तो सेल्फ भी स्टार्ट होने लगी। बाइक में जो भी इसमें प्रॉब्लम थी सेल्फ स्टार्टिंग की, हॉर्न इंडिकेटर लाइट की मीटर की, वो हो गई है सॉल्व। तो कैसे सॉल्व किया ये मैंने आप लोगों को बताया। देखो बार बार स्टार्ट हो रही है। अभी इसकी जो बैटरी की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ। बाकी सारा कुछ फिटिंग कर देते हैं और दे देते हैं कस्टमर को।